नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार दत्त। वॉइस ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जहां संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई है, ऐसे में संजय दत्त के फैंस जो उनकी माफी की मांग कर रहे हैं, उनकी सजा को माफ करने की मांग कर रहे हैं, और दूसरी ओर वो लोग जिन्होंने बम धमाकों में अपनों की जानें गंवाई हैं, ऐसे में देश की जनता क्या राय रखती है संजय दत्त की सजा के बारे में, आइए जानने की कोशिश करते हैं दिल्ली की जनता से। सुनील, जो संजय दत्त की जो सजा जो बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की, क्या आपको लगता है कि ये सही है? सही नहीं है, थोड़ा घटाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा घटाना चाहिए क्योंकि वो हाई पर्सनैलिटी है ना, उसे बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो उसका गलत संदेश जाएगा। ये सही है, उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधी को सजा देनी चाहिए वैसे, क्योंकि अगर ऐसे अपराधों को सजा नहीं देंगे तो हमेशा ऐसे चलता रहेगा। फिर मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है, क्योंकि संजय दत्त जो अच्छे एक्टर हैं और उनकी जो मूवीज हैं वो एक संदेश देती हैं इंडिया को या इंडिया से बाहर हो, तो मतलब आपको लगता है कि थोड़ी माफी देनी? हाँ, माफी देनी चाहिए। सही है, लेकिन थोड़ी छूट होनी चाहिए उसके लिए। थोड़ी छूट होनी चाहिए। वो सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के साथ बहुत जुड़ा उन्होंने और समाज के लिए काम किया है। क्या आपको लगता है कि संजय दत्त को पहले पुलिस को इतला कर देना चाहिए था, जिस तरह से AK-57 उन्होंने रखी है या रखी जा रही थी, क्या आपको लगता है कि पुलिस को पहले बता देना चाहिए? हाँ, बता देना चाहिए था। उन्होंने ऐसे काम किया, ऐसे काम के लिए पुलिस को पहले बताना जरूरी है, बता देनी चाहिए वैसे उन्हें। अगर वो ऐसे ही बता देते तो उनकी शायद कम हो जाती पहले से। हाँ, उन्हें इतला कर देना चाहिए था कि इस तरह की ये गैरकानूनी काम है, कोई भी इंडिया नहीं कर सकता है, तो उन्हें बता देना चाहिए था, पुलिस को इतला कर देना चाहिए था कि इस तरह के जो भी हथियार रखे हैं तो इसके लिए उन्हें शायद ये सजा ना होती आज भी। अब इतना तो खैर उनको इतनी जानकारी इतला करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, गलती किया उन्होंने, सबसे बड़ी गलती ये की। दूसरी बात, अगर उन्होंने AK-57 रखा है तो देशद्रोही का कानून तो खैर उनके ऊपर लगा ही है, लेकिन जहाँ तक उनको सजा की बात है, उसके लिए उनको थोड़ा जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है देश के लिए या फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उस तरह से मतलब उनको इतनी सजा नहीं दी जानी चाहिए। जिस तरह से पहले उनको 18 महीने की जेल काट के आ गए हैं, उनको बेल मिल गई थी, सुनील दत्त साहब का एक रसूख है राजनीति में, भारत में समाजसेवी भी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी कोई गॉडफादर सामने आएगा और संजय दत्त को बेल दिला पाएगा? नहीं, अब तो बहुत मुश्किल चांस है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो कह दिया। पिछली बार बेल हो गई थी, क्या आपको लगता है इस बार बेल हो सकती है? ये पता नहीं कि हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो तो उनकी पता नहीं क्या होती है, वो हो ही जाती है। उनके पिताजी थे पिछली बार सुनील दत्त साहब, एक खासा रसूख है, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, तो इस वजह से भी हो सकता है बेल हो गई थी, लेकिन इस बार कुछ दिख नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि कोई गॉड फादर आ सकता है इस बार? आ सकता कोई शायद। ओके, जो उनको बेल दिला मिल जाएगी, सभी जितने एक्टर्स है वो सभी दुआ कर रहे हैं उनके लिए कि उन्हें बेल मिल जाए, और आम नागरिक भी शायद यही चाहेगा कि उन्हें बेल मिल जाए। आएगा जरूर, क्योंकि चल रही है बातचीत अभी, लोगों के दिमाग में यह है कि जो हिंदुस्तान की पूरी क्राउड है उनके दिल में उसके लिए प्यार है संजय दत्त के लिए, कि इसको राहत दी जाए, छूट दी जाए। जैसे 5 साल का हुआ तो 18 महीने ऑलरेडी वो पहले काट चुके हैं, 4-6 महीने और काट लें, एक तरह से कानून हमारे देश का कानून भी मतलब मान्यता भी उसकी रहेगी, मतलब सजा भी थोड़ी माफ होनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि स्लैब्स पे केसेस होते हैं, सलमान खान का जैसे केस आया, या सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे का काले हिरन वाला भी केस आया था, नीलम जिसमें भी थी, सलमान खान भी थे, शाइनी आहूजा का भी केसेस आया, तो इनको जो है अक्सर देखा जाता है कि इनको बेल मिल जाती है, काफी आराम से बेल मिल जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ये उचित है? आम नागरिकों को मिलती नहीं है इतनी जल्दी बेल, इनको बेल मिल जाती है स्लैब्स को, क्या आपको लगता है कि ये उचित है? नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और ये अगर किसी सेलिब्रिटी को अगर बेल मिलती है तो वो गलत है। देखो, उन लोगों को ऐसे बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक वो भी है, सब पब्लिक सबको एक जैसे रहनी चाहिए, वो कोई स्टार है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बेल मिल जानी चाहिए। आम नागरिकों के बारे में तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो इस वक्त संजय दत्त की जो पोजीशन है, शायद उन्हें उस तरीके से बेल मिल जानी चाहिए। उनकी जितने भी अभी मूवी आई थी उनकी, तो एक गांधीगिरी थी ना उसमें, तो आदर्शवादी हैं, मूवी से प्रेरित होते हैं, तो आपको लगता है कि बिल्कुल लगता है, क्योंकि मूवियाँ उनके अच्छे आदर्श देती हैं सभी को, कि जो भी था उसमें मुन्ना भाई में कि झूठ मत बोलो, ये एकदम गांधीगिरी वाला, हाँ, आपको चाहेंगे लोग कि उन्हें बेल मिल जाए, कोई उनको भी सजा मिलनी चाहिए।
क्योंकि गलत उन्होंने ही किया है। स्लैब्स के बारे में दत्त ने तो एक एक गलती किया, उसने भूल किया, लेकिन ये सलमान खान और ये सब जानबूझकर किया। इन लोगों ने हिरन का शिकार किया और सब चीजें, कई चीजें की। अच्छा, कोई संदेश देना चाहेंगे स्लैब्स को? सेलिब्रिटीज को भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कानून का पालन करना चाहिए और पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। मैं उसे संदेश ये देना चाहता हूँ कि वो ऐसे काम ना करे, इंडिया को बचा के रखे और सही से रहे वो। ये मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें बेल मिल जाए और दोबारा उनकी जो भी मूवी आने वाली हैं हम लोग से भी देखें और इंजॉय करें। मैं यही फिल्म इंडस्ट्री को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे गरीब लोग हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे हिरन हो, चाहे कुछ भी हो, सबको मतलब देख कर ही मतलब चलना चाहिए कि मतलब ये इंसान है, इंसानियत के तौर पर रहना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमारे पास पैसा बहुत है तो हम जो मर्जी कर दें, गाड़ी चढ़ा दें किसी के ऊपर या हिरन को मार दें या किसी, सबके उसमें जान होता। तो ये थी देश की जनता की राय संजय दत्त की सजा के बारे में कि उनको सजा माफी मिलनी चाहिए, सजा की जो उनको लगी है उनको माफी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन लता के साथ मैं अमित कुमार दत्त, आरके न्यूज़ दिल्ली।